सकते हो ये अजमेर का रेलवे स्टेशन है और ये 31 तारीख तक लॉकडाउन है। अगर आप लोग राजस्थान की तरफ कूच करो तो भाई राजस्थान मत आओ, क्योंकि राजस्थान तो 31 तारीख तक बंद है अभी। तो आप गूंज रही है, कोई मंदिर से आवाज़ कर रहा है तो कोई मस्जिद से आवाज़ कर रहा है तो कोई कहाँ से आवाज़ कर रहा है। शाम को 5 बजे बोला गया था कि अपने छतों में आना, ताली बजाना। क्या बात है, एक नंबर नज़ारा। देख सकते हो कोई घंटी बजा रहा है तो कोई ताली बजा रहा है, सब घरों के बाहर निकले हुए हैं लोग। तो देख सकते हैं कहीं पटाखे फूट रहे हैं तो कहीं पर ढोल बजाया जा रहा, कहीं घंटी बजाई जा रही है तो कोई शंख बजा रहा है, तो कोई सलाम पढ़ रहा है, तो देख सकते हो कोई दरूद पढ़ रहा है, तो देख सकते हो कोई घंटी बजा रहा है। सब कोई अपने अपने तरीके से कोरोना को भगाने के लिए घर से बाहर निकले हैं और हर कोई अपने अपने घरों से निकल के अभियान कर रहे हैं। ये अजमेर की नगरी मेरे घर के पास का सीन है। तो सब अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं, लोग बाग घर से बाहर निकल रहे हैं। ओ गजब, देख सकते हो गाइस यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, देखो मंदिर की घंटियाँ बज रही है, सलाम पढ़ी जा रही है और यहाँ का रौनक अजमेर शरीफ का देख सकते हो। सब लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। ओ गजब, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? यहाँ पड़ा के फोड़ रहे हैं, देखिए आवाज की वजह से भाग रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस हर जगह ढोल और टंगारे बज रहे हैं, अब मस्जिद में अजान भी हो रही है। इस तरफ से अजान की आवाज आ रही है। तो देख सकते हो अब अजान हो रही है, सारी मस्जिदों से अजानें गूंजी जा रही है, देख सकते हो। घर के बाहर आ रहे हैं उनको पुलिस। ऊपर देखो सारी पब्लिक भाग रही है। बाहर से ताली बजाओ है। जिप्सी पड़ल कर रहे हैं। 31 तारीख तक कर्फ्यू है ये शायद। देख सकते हो हमारे जवान कितनी मेहनत करे लोगों को घरों में रखने के लिए कि भाई धारा 144 लागू है, घर से बाहर मत। तो देख सकते हो कितना मेहनत कर रहे लोगों को घर में जा रहे, कह रहे हिदायत दे रहे कह रहे घरों में जाओ बाहर मत निकलो। आज का मेरा ब्लॉग ये है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आज 22 तारीख है तो शाम को आप लोगों ने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग छतों में चढ़े और लोगों ने खूब क्या नाम है घरों में तालियां बजाई और लोगों ने क्या बोलते अपने अपने घर में बर्तन बजाए और मतलब किसी ने दरूद सलाम पढ़ा, तो किसी ने अजान पढ़ी, तो किसी ने मतलब अपने 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 धर्म के हिसाब से सब कुछ लोगों ने किया। घरों के बाहर आए घरों और घरों में रहे और सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से किया, जो कि कार्यक्रम था शाम के 5 बजे का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ माहौल क्या है।
तो आज 22 तारीख है और आज का माहौल क्या दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस, आज यहाँ पे जा रही है एम्बुलेंस जा रही है, देख सकते हो। और पूरा यहाँ का माहौल पूरा शांत पड़ा है। अभी घर से बाहर निकल रहा है, उसको घर से वापस अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे परेड चल रही है, देख सकते हो। तो कोई भी बाहर घर से अगर नज़र आ रहा है तो उसको पूछ रहे कि भाई कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और गली के अंदर वापस घरों के अंदर घुसा दिया जा रहा है। तो कोई भी धारा 144 लागू है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, पूरा सन्नाटा रोडों में पसरा हुआ, देख सकते हो। और कोई भी जा रहा कहीं पर भी तो उससे पूछा जा रहा भाई कौन कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो गाइस, ये है होटल सोबराज और यहाँ पे सब अपने घरों में खड़े हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। और वहाँ पर भी देख सकते हो कर्फ्यू लगा हुआ है, तो देख सकते हो वहाँ पर भी कर्फ्यू लगा हुआ है और यहाँ पर भी कोई कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो देख सकते हो ये है आगरा गेट एरिया और यहाँ पर कैसा माहौल है आपको देख सकते हो। इक्का दुक्का ही आदमी नज़र आएगा और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वही घर से बाहर निकल रहा है और कोई फाजूल आदमी घर से बाहर नहीं निकल। आगरा गेट है हमारे अजमेर का और यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड लगी हुई है, कोई भी गाड़ी आ जा नहीं सकती, ज़्यादातर कोई भीड़ नहीं लगा सकता, ज़्यादा क्राउड नहीं कर सकता। और दरगाह एरिया तो बहुत पूरा ब्लॉक हो रखा है, देख सकते हो वहाँ तो बिल्कुल ही जाना मना है। जहाँ पर जगह जगह पुलिस वाले खड़े हुए जो लोगों का मतलब धारा 344 लागू है उसका लागू करवाने के लिए कि भाई जो बात को नहीं माना, खामखा घर से बाहर निकल रहा है उसके लिए रोक रोक के पूछताछ हो रही है कि भाई कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। तो फिर वो उस हिसाब से अगर ज़रूरी काम से जा रहे हो तो कोई बात नहीं है। टाइम में आप लोग देख सकते हो यहाँ काफ़ी क्राउड रहता था, काफ़ी भीड़ रहती थी, अभी पूरा सन्नाटा नज़र आ रहा है। ये एरिया बहुत विकसित एरिया है और इसे क्या बोलते हैं। तो हम लोग अजमेर के अगर सेन चौराहे पे पहुँच चुके हैं और ये डोमिनोज पिज़्ज़ा है जो देख सकते हो, ब्लैकबेरी थी, डोमिनोज पिज़्ज़ा है। ये ना पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी एक भी पब्लिक घरों से बाहर नहीं निकली है, बस इक्का दुक्का जो जरूरी है। ये सारी वीआईपी मार्केट है, पूरा बंद पड़ा देख सकते हो, सन्नाटा। शाम के 6 बजे का नज़ारा है, फवारे चल रहे हैं पर लोग नज़र नहीं आ रहे, तो पूरा तरीके से लॉकडाउन हो गया। ऐसा लग रहा है अजमेर शहर में कोई पब्लिक ही नहीं है, पूरा वीआईपी और रोड है देख सकते हो ये। अब हम लोग आगे आपको बस स्टैंड दिखा रहे हैं, देख सकते हो गाइस। यहाँ पर पेट्रोल पंप ज़रूर खुले हुए हैं पर दुकानें मार्केट पूरा बंद पड़ा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं खुला हुआ, तो पूरा सन्नाटा, एक एक बस आदमी नज़र आएंगे। इक्का दुक्का आप पेट्रोल पंप तो खुले हुए हैं, बस मेन चीज़ें खुले हैं। यहाँ पे कुछ पब्लिक बैठी हुई है बाहर रोडों में, अब ये क्यों बैठी हुई मुझे पता नहीं है, बाहर की पब्लिक है, हाँ फंस गई शायद। दिखे गाइस देख सकते हो, तो यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हैं और बस स्टैंड है पूरा बंद पड़ा है, तो इनसे जानेंगे भाई क्या हुआ। भाई क्या बंद पड़ा है, क्या सब बंद पड़ा है? आपन कहाँ से हैं? इधर से भी नरोडा से आया हम लोग। अच्छा, आगरा जाना है। अब यहाँ पर देख सकते हो बस की पूरी सुविधा बंद है, ट्रेन पूरी ट्रेन भी बंद है, बस भी बंद, एक भी बस नहीं जा रही यहाँ से। देख सकते हो गाइस, हमारे अजमेर में धारा 144 लागू है तो यहाँ पर अभी एक भी बस नहीं निकल रही है, सारे यहाँ पर देख सकते हो पूरी बसें बंद पड़ी है। और जो ट्रेन है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जो ट्रेनें बाहर से आई थी वो ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं, जो यहीं तक ही सीमित थी बस। तो देख सकते हो किस कदर यहाँ पे सन्नाटा है और लोग थोड़ा बच के घर से निकल रहे हैं बाहर, अगर बहुत ज़रूरी है काम तो ही घर से बाहर निकल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा सन्नाटा है। मैं आपको अजमेर शहर का बस स्टैंड दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पर सन्नाटा है आज के दिन। और वैसे तो 31 मार्च तक पूरा कर्फ्यू लगा है, तो अभी यहाँ पर बस चालू होएंगी कि नहीं होंगी मुझे पता नहीं है। अगर यहाँ कोई बंदा मिलेगा या कोई मिलेंगे सर, उनसे बात करते हैं हम लोग आपको। ये देखो पूरा ये बस स्टैंड है, आज यहाँ पर एक भी बस नहीं है, तो यहाँ पर आज सारी बसें बंद कर रखी है। वहाँ पे चपरासी, उनसे बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ जायरीन हैं जैसे कि उनसे बात करते हैं, मेहमान वेहमान वहाँ पर, चलो आप तो देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं हम लोग। ये अजमेर का मेन बस स्टैंड है, बहुत बड़ा बस स्टैंड है ये, और आज ये बंद पड़ा है। फाइनली बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ, जो कि आप लोगों ने देखा पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा है। तो यहाँ के होमगार्ड है जो कि यहाँ पे थोड़ा देख रेख करते हैं, अच्छा सिक्योरिटी गार्ड, तो ये देख रेख करते हैं यहाँ पर। तो ये बताएंगे आपको कि भाई कब तक ये बस स्टैंड बंद है, जो बाहर से पब्लिक निकल चुकी वो। हाँ बताइए। हाँ भैया, आज से 31 तारीख तक बंद है। 31 तारीख तक बंद है, तो जाइए ना अगर आप लोग बाहर से आ रहे हो, मतलब जो भी आ रहे हो तो आप लोग थोड़ा एहतियात बदल के आना, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान अभी 31 तारीख तक बंद है। तो 10 दिन तक राजस्थान की तरफ कुछ भी मत करो, क्योंकि राजस्थान तो बंद है। तो जाहिर सी बात है कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उस हिसाब से यार
बहुत बढ़िया काम सरकार ने किया है। जाने के तो सारे साधन बंद है ना, ट्रेनें वगैरह भी बंद है, रोडवेज बंद है, प्राइवेट गाड़ी भी बंद है। हाँ तो कोई मतलब नहीं, और आप भी नहीं पाओ। सही बात है। जैसे यहाँ से कोई बाहर जाना चाहेगा तो आप कैसे जाएगा यार? बाहर कहाँ पे? जैसे अपने अपने गांव जाना चाहेगा कोई? बाहर जाने के लिए तो अभी तो कोई साधन नहीं है। अभी नहीं है, जो जाए वही तक रहो बस। ध्यान रखो, अगर आप लोग अजमेर की तरफ आ रहे हो या राजस्थान की तरफ आ रहे हो तो तैयारी अपनी कैंसिल कर लो, क्योंकि यहाँ पर अभी 31 तारीख तक पूरा अजमेर या पूरा राजस्थान ही बंद है। तो आप लोग यहाँ पर अभी नहीं आ सकते, पूरा कोरोना वायरस के चक्कर में यहाँ पे पूरा बंदी है, देख सकते हो। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने, तो बहुत बढ़िया है। और थोड़ा ध्यान रखो अपना भी और लोगों का भी ध्यान रखो। नाटा, सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते दौड़ रहे हैं यहाँ पर, तो कोई नजर नहीं आ रहा एक बंदा भी। जो भी कहीं से भी तो यार नया ब्रिज बनने वाला है, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत होने लग गया था अजमेर में, तो अब ये नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, और पब्लिक कुछ भी नहीं अभी तो यहाँ पर लोग रास्तों में खड़े मिल जाएंगे, क्योंकि ट्रेनें जो यहाँ तक थी वो ट्रेनें यहीं तक थी, और उसके बाद कोई साधन ही नहीं है बाहर जाने के लिए। तो कुछ जायरीन जो है, कुछ यात्री जो हैं यहीं पर फंस गए, देख सकते हो। तो अभी क्या होगा देखते हैं। अजमेर का गांधी भवन ने देख सकते हो, आम टाइम में यहाँ पर एक भी निकलने का रास्ता नहीं रहता था, इतना क्राउड रहता था। आज यहाँ पर देख सकते हो कितना क्राउड है, फुल क्राउड है यहाँ पर देख सकते हो। ये अजमेर का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर भी ट्रेनें बंद हो चुकी, कुछ ट्रेनें शायद चल रही होंगी, मुझे पता नहीं है। तो देख सकते हो ये घंटा घर पहुँच गए हम लोग अजमेर का, और अजमेर का सामने रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर लॉकडाउन है, तो अंदर जाने दे रहे नहीं जाने दे रहे, पता नहीं, अभी पता करके बताता हूँ। देख तो ये अजमेर का रेलवे स्टेशन है, और ये 31 तारीख तक लॉकडाउन है। अगर आप लोग राजस्थान की तरफ कूच करो तो भाई राजस्थान मत आओ, क्योंकि राजस्थान तो 31 तारीख तक बंद है अभी। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सावधानी से आओ, और अभी कौन कौन सी ट्रेन यहाँ पर आने वाली है या आएगी नहीं आएगी, मैं आपको सारी जानकारी दे करके, जो यहाँ पर यात्री फंस चुके हैं तो वो वापस कैसे जाएंगे वो आपको बताता हूँ मैं थोड़ी जानकारी करके। आम टाइम में यहाँ पर काफ़ी क्राउड रहता था, और आज पूरा सन्नाटा है, साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखा गया यहाँ पर। तो मैं आपको थोड़ा रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा सन्नाटा हो रखा पूरा। ट्रेन आप लोग देख सकते हो, क्या नाम है गाइस, देख सकते हो सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी है। अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ, और अजमेर जयपुर हैदराबाद स्पेशल, ये सारी जो अजमेर की जितनी भी अजमेर से जो जाती बन करके, तो अजमेर से बन के जो जाती वो तो बंद ही है, और जो बाहर से आ रही हैं वो भी बंद है। पिछले 12 बजे से चली हुई है ना, 11 तारीख की डेट में। अच्छा, पहले की जो चली हुई है ना वो ही आएगी। अच्छा, उसके बाद से कोई गाड़ी नहीं चली है। नॉलेज नहीं पड़ी है, भाई जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी ट्रेन आने वाली है और कौन सी अब नहीं जाएगी यहाँ से, बताइए भाई। जो 21 तारीख की रात को 12 बजे से पहले की चली हुई ट्रेन है ना, अच्छा वो ट्रेन नहीं आएंगी। अच्छा, वही ट्रेन सिर्फ आ जाएंगी, और बाकी जो ट्रेन है जो आज वाली एक भी नहीं, ट्रेन थी वो नहीं, वो रद्द हो गई सारी। जो आज की तारीख में अजमेर से या राजस्थान से कहीं से भी चलने वाली थी वो सारी रद्द हो चुकी है, और जो वहाँ से मतलब बाहर के मतलब जो सिटी है जैसे महाराष्ट्र की चली हुई है ना रात के 12 बजे पहले की जो ट्रेन, तो वो सिर्फ आ सकती है यहाँ पर, वो आ सकती है। अच्छा, तो मैं गाइस आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान, पंजाब और अभी बहुत सारे स्टेट बंद होते जा रहे, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा घातक है। और दूसरी बात, इन्होंने देखो यहाँ पर इन्होंने ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सेफ्टी के लिए करा था, भाई अपन क्या कर रहे हैं, मतलब दवाई मेडिसिन दे रहे हैं लोगों को नहीं, या टेम्परेचर? अच्छा, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि भाई जैसे कि वायरस किसको है किसको नहीं है, और टेम्परेचर चेक करते हैं इसके बुखार का, बुखार है ना, बुखार वाला ना। मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, ये पूरा रेलवे स्टेशन अजमेर का पूरा खाली पड़ा है, आज यहाँ पर एक भी क्राउड नहीं है। चलो, आज पूरा बंद पड़ा है, और अभी ये 31 तारीख तक बंद रहेगा पूरा रेलवे स्टेशन, और पूरा अजमेर बंद रहेगा, पूरा राजस्थान बंद रहेगा। तो आप लोग राजस्थान की तरफ अभी कुछ मत करो, एक तारीख के बाद है ना मैडम, एक तारीख के बाद आ सकते हैं, आगे कुछ नहीं कह सकते, आगे भी हो सकता है। ये अजमेर का है रेलवे स्टेशन, आज पूरा खाली पड़ा है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बता ही दिया है भाई, कि जो लोग क्या बोलते हैं वहाँ से 31 तारीख को 12 बजे से पहले निकल चुके हैं, वो लोग को तो थोड़ी परेशानी होएगी, पर जो अब आने की सोच रहे हैं ना गाइस, तो वो मत आओ, क्योंकि 31 मार्च तक अभी अजमेर और राजस्थान पूरा बंद पड़ा है। तो आप लोग जो आने की सोच रहे हो अब मत आओ, क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाली है आपको, और अभी आगे भी शायद कर्फ्यू रह सकता है, कोरोना वायरस का भरोसा नहीं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये जोधपुर बेंगलुरु ट्रेन है, ये भी रद्द हो चुकी है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, इसलिए बंद हो चुकी है, देख सकते हो ये। तो ये मैंने अजमेर का पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखा दिया, कैसा क्या माहौल है। हम लोग विक्टोरिया आ गए हैं, और ये विक्टोरिया हॉस्पिटल है,
तो ये हॉस्पिटल नहीं बंद किया तो धारा 144 जो लागू है तो हर जगह लागू होगा भली, और यहाँ पर नहीं लागू। यहाँ पे मास्क दिया जा रहा है, हाथ के पंजे दिए जा रहे हैं, और यहाँ अंदर जाने से पहले थोड़े लोगों की सावधानी बरत के जाने दे रहे हैं। घुमा गाड़ी पैर जमीन में, देख सकते हो, लोगों को जाने से पहले मास्क और क्या बोलते वो जो मास्क होता है और हाथ में पहनने के ग्लव्स होते हैं वो सारे दिए जा रहे हैं पहले अस्पताल में जाने से पहले। और पूरा हॉस्पिटल अभी खुला हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर पूरा माहौल ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो और पूरे शहर में धारा 144 लागू हुए थे, पर हॉस्पिटल मैंने बताया जैसे कि आपको मेडिकल हॉस्पिटल, खाने पीने की थोड़ी बहुत होटल, ये सारी खुली हुई हैं, अभी सुविधा थोड़ी बहुत खुली हुई है। आज देख सकते हो यहाँ पर अम्बे माता मंदिर है जो कि बहुत फेमस मंदिर है, तो यहाँ पर भी लोग बाहर से आ रहे हैं और दर्शन करके चल जा रहे हैं। और ये पूरा बजरंगगढ़ चौराहा अजमेर का देख सकते हो फेमस, देख सकते हो दरगाह और मंदिर या मस्जिद सब चीज़ें बंद पड़ी है अजमेर के अंदर अभी, और बस हॉस्पिटल खुले हुए हैं सिर्फ। और ये बजरंगगढ़ चौराहा है, और ये सामने आप देख रहे हो ना दौलतबाग गार्डन है जिसको कहते हैं बारह दरी, तो ये भी बंद है। आम टाइम में आप लोगों ने देखा यहाँ काफ़ी भीड़, अजमेर का बहुत फेमस मॉल है देख सकते हो, इसको नाम है श्रीनाथ मॉल, ये अजमेर का बहुत फेमस है, ये भी बंद है आज, पहले ये खुला रहता था पर आज ये भी बंद है। और आगे जाते दिखाते, तो देख सकते हो ये अजमेर का सबसे फेमस टूरिस्ट पैलेस है आना सागर चौपाटी, आज ये आना सागर चौपाटी पूरी खाली पड़ी देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक भी बंदा नहीं नजर आएगा, पूरा चौपाटी खाली पड़ी देख सकते हो, सही है, पूरा अजमेर में कर्फ्यू देख सकते हो, धारा 144 पूरे शहर में लागू है। और यहाँ पर पहले नावें रोड चलती थी, खूब सवारी शहर करती थी, अब कोई सवारी नहीं कर पा रही शहर, यहाँ पर जगह जगह देख सकते हो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, और यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई वो नहीं है देख सकते हो। देख सकते हो ये अजमेर का टापू है, आज यहाँ पर एक भी आपको क्राउड नहीं मिलेगा, बड़े बड़े मंदिर, और यहाँ पे 31 मार्च तक बंदी है देख सकते हो पूरी, तो 31 मार्च तक चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे दरगाह हो चाहे कुछ भी हो सारी चीज़ें आज बंद है यहाँ पर। बस कुछ कुछ खास खास लोगों को निकलने के लिए बस दिया गया, जैसे कि मीडिया कर्मी हो सकते हैं और डॉक्टर से हो सकते हैं या कोई ज़रूरी काम से जा सकता है बाहर, बस, और इससे ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल सकते घर से, धारा 144 को लंगर नहीं। सुभाष उद्यान है जो कि पहले बहुत मतलब 2-4 दिन पहले यहाँ पर काफ़ी क्राउड रहता था और काफ़ी भीड़ रहती थी, आज यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और आज ये भी बंद पड़ा है, तो मैंने यहाँ का वीडियो बना रखा आप लोगों के लिए, सुभाष उद्यान के लिए, देखा होगा आप लोगों ने। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड छोटा भाई हो तो हमारा सपोर्ट करो, और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मिस्टर खान अजमेर मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।